हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज डेट है हमारी 7 नवंबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्रैप फोर स्टैंड फोर। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए कि फुल फॉर्म क्या है इसकी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एयर क्वालिटी कंट्रोल, देखिए हमारी दुनिया के अंदर एयर क्वालिटी को जांचने के लिए ना बहुत सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोई किसी पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी का, जिसमें सबसे जबरदस्त जो बनता है ना वो यही होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स। ग्रेडेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी एक शहर को या किसी भी एक स्टेट यूनियन टेरिटरी को, मतलब मान लो जी पंजाब को, उम्मीद कम है लेकिन चलो पंजाब को कह दिया कि तुम अपना एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करो, हम तुम्हें ग्रेड्स देंगे, ठीक है। तो वो जो ग्रेड्स मिलेंगे कि हमारा ग्रेड अप हो गया, हमारा ग्रेड डाउन हो गया, तो उसको हम कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स, कि हमारे पास कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद, ठीक है, सिंपल होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4, ठीक है। तो ये वाला अभी प्रोग्राम हाल ही में हमारे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, इस वजह से इसको न्यूज में हम देख रहे हैं, ठीक है। कि न्यूज में क्यों आया, क्योंकि अभी जो एयर पोल्यूशन हमारे पास चल रहा है उस एयर क्वालिटी को हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो उस एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम एक ऐसा प्लान चलाने वाले हैं जिसमें कोई ना कोई हम एक्शन लेंगे और उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा और उसमें हम ग्रेडिंग देंगे कि इस सिटी में ज्यादा पोल्यूशन है, इसमें कम पोल्यूशन है, इसमें ऐसे करो, इसमें वैसे करो, ये सारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स में चलता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रैप फोर स्टैंडर्ड जो है हमारे देश में अप्लाई किए जा रहे हैं। अभी इनके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया है वो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या बताता है कि जो दिल्ली एनसीआर है इसकी एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही है, दिनों दिन खराब होती जा रही है। आपने देखा भी होगा लोगों के, बच्चों के स्कूल्स बंद कर दिए हैं 2-3 दिनों के लिए, लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जा रहा है। आपको याद है दिल्ली में ऑड इवन स्कीम चली थी एक बार। ऑड इवन स्कीम का मतलब क्या होता है, जिन गाड़ियों के नंबर ऑड नंबर्स में है वो एक दिन चलेंगे, अगले दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, है ना। इस स्कीम को एक्टिवेट किया गया है, बहुत सारे कंट्रोल्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टिल दिल्ली का जो जो हमारा एयर क्वालिटी है वो सबसे बेकार है। कितना है, 463, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो 463 सीवियर में है, हमारे आप जो बठिंडा है वो भी 300 के आंकड़े में चली जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे इंडेक्सेस ऐसे निकलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा पुअर है। कुछ दिन पहले हमने सेम ऐसा ही एक करंट अफेयर डिस्कस किया था जिसमें हमने ये देखा था, लेकिन उनका इंडेक्स कुछ और था, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स डिफरेंट था, ये वाला ग्रेडेड रिस्पॉन्स वाला है, ठीक है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिर्फ हमारे देश में चल रहा है, वो जो हमने उस दिन डिस्कस किया था एयर क्वालिटी इंडेक्स वो पूरे वर्ल्ड में चलाया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सी कंट्री की सिटीज जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है और दूसरे नंबर पे हमारे देश में मुंबई आ रहा था, ठीक है। लेकिन ग्रेडेड रिस्पॉन्स में टॉप नंबर किसका है, दिल्ली एनसीआर, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हमने ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना, सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि विमेंस हॉकी में अभी अभी होके हटी है, आपको याद होगा सितंबर में शुरू हुई थी, ठीक है, तो अभी ये फाइनली हो चुकी है। तो अभी इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जीता किसने है, एनी आइडिया किसने जीता है। अरे अपन ने जीता है, इंडिया, इंडिया इज दी विनर, ठीक है। तो इंडिया ने इस ट्रॉफी को जीता है, विमेंस हॉकी के अंदर इंडिया ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन अब तक का दिखाया है, ठीक है। तो इंडियन हॉकी टीम जो है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत चुकी है। डिफीट किसको किया है, जापान को, यानी कि दूसरे नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे कौन है हमारे पास, जापान है, ठीक है। इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स के नाम आप हल्के मोटे से ना ध्यान में रख लेना, जैसे कि बस निगाह से टपा लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जैसे कि जिन्होंने गोल्स लिए हैं, संगीता कुमारी, नेहा लारसाइमी
और वंदना कतारिया, ठीक है। ये चार प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने गोल लेके ज्यादातर मैक्सिमम गोल्स इन्होंने ही लिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी विमेंस हॉकी टीम जो है वो जीत गई है, ठीक है। इससे पहले लास्ट टाइम हम 2016 में जीते थे, ठीक है। तो आपसे कई बार 2016 में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया 2016 के अंदर जब हॉकी विमेन टीम हुआ था तब कौन सी कंट्री जीती थी, तो इंडिया जीती थी, राइट। जापान जो कि सेकंड पोजीशन पे आया है, ये 2013 में भी जीत चुका था, 2021 में भी जीत चुका था, ठीक है, तो जापान के बारे में भी याद रखना। चाइना जो कि होस्ट कंट्री थी, होस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है कि जहां पे हुआ था ये पूरा टूर्नामेंट हुआ था, तो ये पूरा टूर्नामेंट चाइना में हुआ था, चाइना तीसरे नंबर पे आया, ठीक है। तो टॉप थ्री में हमने सारे याद किए, टॉप में इंडिया है, सेकंड नंबर पे जापान है, थर्ड नंबर पे चाइना है, ठीक है। इंडिया ने पहले कब जीता था, 2016 में, तो इसको भी हम याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट, अगला पॉइंट हमारे इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ, जो हॉकी इंडिया है उसने 3 लाख रुपए हर एक प्लेयर को दिए हैं और 1.5 लाख रुपए सपोर्ट स्टाफ को दिए हैं जो कि उनकी परफॉर्मेंस के अंदर हेल्प करते थे, हकदार थे वो इस चीज के। सलीमा तेते जो है झारखंड से, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो बनाया गया है, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि सलीमा तेते जो है इनको विमेन मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया है। और हॉकी इंडिया ने कितना कितना अवार्ड दिया है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे कौन है, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। ओके, नीरज गुड मॉर्निंग, सीरत गुड मॉर्निंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर टू कमेंस डोमेस्टिक सेलिंग इन इंडिया। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। पहले तो ये समझो क्रूज लाइनर्स क्या होते हैं। देखो, हमारे पास कुछ ऐसे बोट्स होते हैं या शिप होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को घुमाने फिराने के लिए होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्रूज, ठीक है। तो क्रूज लाइनर्स क्या होते हैं, ये ना कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर, मतलब हमारी कंट्री का नहीं है, इंटरनेशनल है, लेकिन उसने इंडिया के अंदर जो है डोमेस्टिक सेलिंग जो है स्टार्ट कर दी है, मतलब पैसेंजर्स को लेके जाएगा, घुमाएगा, फिराएगा। जनरली न्यूली वेड कपल्स जो है वो इस तरीके के मतलब पैकेजेस वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो नाम पूछा है हमसे कि कौन सा है, तो दिस इज कोस्टा सेरेना, ठीक है जी। ये ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट तो है शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। तो डिफेंस के अंदर नहीं इसको घुसाना कि भाई कोई शिप आ गया तो हम डिफेंस में डाल दें, नेवी में डाल दें, नहीं नहीं, नेवी का सिस्टम नहीं है, ये तो घूमने फिरने का पैसेंजर्स वाला सिस्टम है, ठीक है। तो कोस्टा सेरेना जो है वो भारत में आने वाला पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है जो लोगों को घुमाने फिराने में हेल्प करेगा, ठीक है जी। अभी थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें, इसको शुरू किसने किया, हमारे जो यूनियन पोर्ट्स मिनिस्टर हैं शिपिंग के, वाटरवेज के, जिनका नाम है सर्बंदा सोनोवाल, ठीक है जी, सर्बंदा सोनोवाल, ठीक है। तो इन्होंने इस पूरे के पूरे डोमेस्टिक सेलिंग सिस्टम को स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम हमने पहले ही देख लिया था, कोस्टा सेरेना, ठीक है। 3 नवंबर 2023 में इसको शुरू किया गया था और कोस्टा क्रूजर्स नाम की जो कंपनी है वही कंपनी इस तरीके के लाइनर्स को बनाती है, ठीक है। तो आपने कंपनी का नाम याद रखना है, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी। लेकिन ये क्वेश्चन उन पेपर में जरूरी है जो बच्चे LIC का पेपर या बैंक का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जरूरी है जो SSC पंजाब पटवारी वगैरह पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोमिनेंटली आपको कंपनीज के चेयरमैन, बैंक्स के चेयरमैन, हेडक्वार्टर आपको तभी पूछे जाते हैं जब आप ऐसे एग्जाम्स में बैठते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब आप SSC पटवारी लेवल में बैठते हैं, ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किंग ऑफ भूटान कौन है? अभी सोचने वाली बात है कि ठीक है, चलो भूटान हमारा जो है बॉर्डर पे लगता है, भूटान हमारा नेबर है, तो उसका सवाल पूछ लिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान लेते हैं कि इसके किंग का नाम हमसे पूछ लिया। लेकिन मेन चीज है कि इसके किंग का नाम पूछा क्यों गया है, क्योंकि जनाब ये अभी अभी इंडिया विजिट करके गए हैं, ठीक है। हाल ही में ये इंडिया में आए और इंडिया में ये किस तरफ आए, असम में आए, ठीक है। असम में आए और असम के अंदर इन्होंने ना काफी सारे अच्छे अच्छे मतलब वहां के CM वगैरह के साथ इन्होंने अच्छी मुलाकात की, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मिले, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी मिले, तो बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बातें की हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, अजीब सा नाम, जिग्मे खेसर नयांग वांगचुक, ठीक है जी। सो ये वांगचुक टाइप्स के जो पर्सन है, ठीक है। सो
दिस इज द नेम ऑफ द किंग ऑफ भूटान, तो ये हमारे इंडिया में आए। इसी के साथ में एक छोटा सा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8 दिन के विजिट पे ये इंडिया आए तो जरूर है, ठीक है जी, अभी भी इंडिया के अंदर है, लेकिन मेन चीज ये कहाँ पर गए, काजीरंगा नेशनल पार्क। अपन ने पढ़ा था ना काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है, इसकी वीडियो भी अपने पास पड़ी है ऑनलाइन सारे नेशनल पार्क्स की। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ये आए थे, ठीक है, अभी ये आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन काजीरंगा तो आ गया ना हेडलाइंस में, तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम, और सबसे बड़ी बात है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे किंग का नाम पूछ लेंगे तो ठीक है, नहीं पूछेंगे तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि स्पेशली वो कहाँ पे विजिट किए थे, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है जी, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के अंदर 2022 में, अभी देखो जो आंकड़ा हुआ है ना वो 2022 में हुआ है, क्योंकि इस साल सर्वे अगर लॉन्च हुआ है तो सीधी सी बात है सर्वे पिछले साल का ही होगा, है ना, इस साल का थोड़ी ना हम देखेंगे। तो पिछले साल एक सर्वे हमने जारी किया है, एवरेज डेली नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर, कि सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं वो एवरेज कितनी है, तो एवरेज हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज डेली पूछा गया है, तो मतलब पर डे के हिसाब से पूछा है, तो चारों ऑप्शंस देखो पर डे में है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में एक दिन में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, एवरेज 1264, सभी ऑप्शंस में सबसे हाईएस्ट, ठीक है। तो इतने डेली एक्सीडेंट्स हमारे पास होते हैं, रिपोर्ट लॉन्च हुई है। अभी ये तो हुआ सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर, हमारे लिए जो मेन चीज है रिपोर्ट को जानना, कि आखिर कौन सी रिपोर्ट है भाई। तो रिपोर्ट का नाम है द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है, कि भारत के अंदर जो रोड एक्सीडेंट सड़क दुर्घटनाएं 2022 में हुई हैं, इस रिपोर्ट ने हमारे पास जो आंकड़े बताए हैं वो ये है कि इतने सारे 461312 रोड एक्सीडेंट्स हमारे देश में 2022 में हुए, जिसमें से 180491 फैटलिटीज यानी के डेथ हुई है, ठीक है, और 443366 इंजरीज हुई है, ऐसी इंजरीज भी कि शायद वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इतने ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हमारे देश में एक साल के अंदर हुए हैं, ठीक है जी। और एवरेज अगर निकाल के देखें तो एक मतलब साल के अंदर अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो डेली है 1264, ठीक है, जिसमें से 462 लोग हर रोज मर रहे हैं, ठीक है, 53 एक्सीडेंट्स, या फिर हम अगर घंटे के हिसाब से निकाल के देखें तो 53 एक्सीडेंट्स एक घंटे में, जिसमें से 19 लोग हर घंटे मर रहे हैं हमारे देश में, सिर्फ और सिर्फ किसमें, रोड एक्सीडेंट्स में। तो सोचो अगर इंडिया के अंदर इतना ज्यादा रोड नेटवर्क है और इतना स्पेसिफिकली एक्सप्रेस वेज वगैरह हम लोग बना रहे हैं, स्टिल हमारे इंडिया में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और सबसे टॉप मोस्ट एक्सीडेंट्स किधर हो रहे हैं, तमिलनाडु में। तो 2022 का जो आंकड़ा है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 64,105 एक्सीडेंट्स पूरे साल के अंदर तमिलनाडु में, तो टॉप का याद रखना है। इसके अलावा देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो वैसे ही एक्सप्रेस वेज के लिए जाना जाता है, कभी कोई सी बना ली कभी कोई सी बना ली, स्टिल एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है। फिर महाराष्ट्र का नाम आता है, गुजरात का, राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, तो ये टॉप स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सरकार क्या कदम उठाती है, सरकार कहती है कि रोड सेफ्टी के लिए एक तो एयर बैग्स होना जरूरी है सभी गाड़ियों के अंदर, सभी वाहनों में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स भी हमारे पास होने चाहिए, कि मान लीजिए बाय चांस लॉक्स वगैरह लग चुके हैं लेकिन ब्रेक फिर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है सारा सिस्टम फेलियर हो जाता है लेकिन स्टिल हम ब्रेक्स तो लगा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। स्पीड लिमिट्स पे ध्यान देना चाहिए, जहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 60 से ऊपर नई गाड़ी लेके जानी तो नहीं लेके जानी, फिर उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ठीक है। इंस्पेक्शंस वगैरह होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन सेंटर्स के अंदर देना चाहिए कि गाड़ी कैसी है, कैसी चल रही है, सही चल रही है कि नहीं चल रही है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज, व्हीकल स्क्रैप करना क्या होता है, जो बहुत ही पुराना व्हीकल है उसको कबाड़ में डालो यार, उसको घर में रख के क्यों चला रहे हो, खुद की जिंदगी तो नुकसान में डाल रहे हो, जो इतनी दुनिया बैठी है उसको भी नुकसान में डाल रहे हो, ठीक है। तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज चलनी चाहिए, पुरानी गाड़ियां नहीं, जैसे दिल्ली के अंदर देखो अभी पुरानी गाड़ियां नहीं जाती ना, एंटर नहीं करने देते, वो लोग मना कर देते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस होने चाहिए, जगह जगह पे स्टेशंस होने चाहिए जहां पे टेस्टिंग हो गाड़ियों की कि किस तरीके से ये चल रही है, ताकि हम रोड सेफ्टी को एनहांस कर सके,
ठीक है, 2019 के अंदर इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, जिसके अंदर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स डाली गई, पेनल्टीज डाली गई, जो भी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करेगा या सेफ्टी रूल्स को वायलेट करेगा उनको बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए बेटा ये रिपोर्ट तो वैसे ही बहुत जरूरी है याद रखनी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हमने डिस्कस किए। ठीक है जी, आपसे जो जनरली पेपर में पूछा जाएगा, एक तो ये एवरेज वाला सवाल, एक ये डेली बेसिस वाला सवाल भी पूछ सकते, सॉरी डेली घंटे वाला सवाल भी पूछ सकते हैं, एक ये वाला सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि कौन सी टॉपर में चल रही है, और लास्ट क्वेश्चन कि क्या हमारे देश में व्हीकल सेफ्टी के लिए कोई हाल ही में अमेंडमेंट हुई है किसी भी एक्ट में, किसी भी बिल में? तो बिल्कुल हुई है, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट हमारे पास बना हुआ है उसके अंदर अमेंडमेंट की थी 2019 में। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ आपको, इससे पहले 2017 के अंदर ना हमारे देश में ना गुड समैरिटन कानून भी बना था। गुड समैरिटन कानून पता है क्या होता है? इसके अंदर आप ये देखते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक है। समैरिटन कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो एक अच्छा नागरिक होता है, अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाए, जैसी भी स्थिति में वो है उसको हॉस्पिटल ले जाए। पहले क्या होता था, ये कानून क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि लोग ना मदद करते नहीं है। क्यों नहीं करते मदद? क्योंकि पहले पुलिस वाले लोगों को ही हैरस करते थे, क्या पता तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो, तुमने मारने के लिए किया हो, तुम्हारी कोई दुश्मनी होगी इससे, बंदे को ही हैरस करते थे। इसीलिए लोग सोचते हैं छोड़ परा हो गया एक्सीडेंट, अपन तो चले। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कानून बन चुका है कि जो समैरिटन होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो लोगों को बचाएंगे, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, उनको कोई भी हैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये सब कानून हमारे लिए किसके लिए बने हैं? रोड एक्सीडेंट्स के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल भी आप देखेंगे वही सवाल है, हाईएस्ट नंबर का। तो अभी तो आप आंसर दे सकते हैं बड़े आराम से कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स कहाँ पर हुए हैं 2022 में? तमिलनाडु। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हु इज द विनर ऑफ 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अभी पहले तो नहीं, ये प्राइज समझो कैसा होता है। देखो, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज है, मतलब ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, लंदन में ये प्रोग्राम हुआ होगा, लंदन वाले ही इस अवार्ड को देंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज है, किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, जो भी हम किताबें लिखते हैं। लेकिन स्पेशली कौन सी किताब? जो किसी भी देश के कल्चर के ऊपर बात करे, ग्लोबली कल्चर के ऊपर बात करे। ठीक है, तो अभी ऐसा एक इवेंट हुआ और सवाल है कि इस इवेंट के अंदर विनर कौन निकले, तो खुशी की बात है अपनी इंडियन है नंदिनी दास। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें इन्होंने इंडिया का पूरा कल्चर रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि कब हमारे देश में मुगल साम्राज्य चलता था, मुगल साम्राज्य में किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए थे। हम लोग क्लास में भी पढ़ते थे ना, सर थॉमस रो हमारे देश में आए थे, उन्होंने फैक्ट्रीज खोलने की परमिशन मांगी थी, और मुगल बादशाह जो थे जहांगीर, उन्होंने फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी थी। तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए परमिशन लेने के लिए और फैक्ट्रीज लगा लगा के हमारे देश के कल्चर को पूरी तरह से बदल देते हैं। ठीक है, तो वो सारी कहानी इन्होंने इसके अंदर लिखी है नंदिनी दास ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो इनकी डेब्यू बुक है, डेब्यू का मतलब होता है पहली बार इन्होंने ऐसी किताब लिखी है, अदरवाइज इन्होंने किताब कोई लिखी नहीं थी, फर्स्ट किताब है इनकी जिंदगी में, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ठीक है, तो ये अपनी प्रोफेसर के कल्चर में बहुत खुश है, वहां पे अच्छी है, हैप्पी है। लेकिन इन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छी किताब लिखी है, कोटिंग इंडिया। कोटिंग मतलब होता है कोट, कोट यानी कि जैसे मुगलों के दरबार लगा करते थे। ठीक है जी, फिर इंग्लैंड जो है शामिल होता है, बीच में आता है, मुगल इंडिया है, ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर है, कैसे कैसे हमारे देश में राजवंश शुरू होते हैं, राजघराने शुरू होते हैं, तो वो सब के ऊपर इन्होंने बढ़िया किताब लिखी है, मास्टरपीस लिखा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में देखो कितने सारे लोग होंगे ना जिन्होंने अपनी बुक्स सेंड की होंगी कि हमारी बुक को अवार्ड मिले, लेकिन मिला किसको? हमारी इंडियन को अवार्ड। ठीक है, हाँ, रहती है वहीं पे है, लंदन में रहती है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है सिर्फ, नंदिनी दास वहीं पे
पली बड़ी है, वहीं पे रहती है, वहीं पे नौकरी करती है, सारी इनकी जिंदगी वहीं पे, लेकिन है तो इंडियन ना, तो इंडियन ओरिजिन है, राइट। तो इस प्राइज को इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में, तो 2013 से लेके अब तक ये प्राइज जो है वो दिया जाता है, ठीक है जी। याद रखना कि ये प्राइज सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी देश के कल्चर के लिए दिया जाता है, और कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पे। इन्वायरमेंट का अगर आप बुक छाप देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कल्चर की बुक से मतलब है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी बढ़िया सवाल है भाई। विच एयरक्राफ्ट वॉज फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर इन द सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स। देखो सवाल क्या है, कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर था जो कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया, ठीक है। पहले तो सुपरसोनिक क्या होता है उसको समझते हैं। देखो अपन लोगों ने क्लास में एक चीज पढ़ी हुई है, जब अपन साइंस पढ़ते थे तो साइंस के अंदर अपन ने चैप्टर पढ़ा साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है, जो चीज ध्वनि देता है ना, तो सोनिक का मतलब भी क्या होता है, साउंड, ठीक है। तो सुपरसोनिक चीजों का इस्तेमाल, अभी हम लोग सुपरसोनिक पे हैं, हाइपरसोनिक पे है, हर चीज पे ही है ना, तो इन चीजों का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स है ना, खासकर हमारे लड़ाकू विमान है, तो इनकी जो स्पीड है ना वो किस में देखी जाती है, मैक में देखी जाती है, ठीक है। हम जैसे सड़क पे जाते हैं तो सड़क पे हम गाड़ी चलाते हैं, हमारी स्पीड देखी जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, लेकिन एयरक्राफ्ट की स्पीड देखी जाती है मैक में, और मैक रिप्रेजेंट करता है साउंड की स्पीड को। मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है, ये कोई उड़न खटोला है, हमारे पास एयरक्राफ्ट है, और इस एयरक्राफ्ट की स्पीड बताई जा रही है 3 मैक है, ठीक है, 3 मैक इसकी स्पीड है। तो इसका मतलब क्या है कि साउंड की स्पीड का 3 गुना तेज भागता है ये, ठीक है। तो जितनी भी हमारी साउंड की स्पीड है उससे 3 गुना तेज, 3 टाइम्स फास्टर है ये, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो समझ आया, सुपरसोनिक का मतलब होगा कि साउंड की स्पीड से कहीं ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा पहला फाइटर जेट हमारे पास कौन सा शामिल हुआ था जो बहुत तेजी से भागता था, वो था हमारे पास MiG-21। अभी पॉइंट आना चाहिए दिमाग में कि क्यों भाई इतना पुराना सवाल, क्योंकि 1963 में ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था। इतना पुराना सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि अब हम MiG-21 का इस्तेमाल धीरे धीरे 2025 तक बिल्कुल खत्म कर देंगे, और हम इसकी जगह यूज करेंगे Sukhoi-30 MKI को, क्योंकि वो ज्यादा एडवांस है, उसमें ट्विन इंजन है, इंटरसेप्टर है, रात को भी काम करेगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इसमें काफी ज्यादा दिक्कत है, रेंज की दिक्कत है, विजन की प्रॉब्लम है, नाइट विजन का समस्या आ जाता है। तो वो कहते हैं कि बढ़िया है ये, बुरा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इसको खत्म करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो इसकी सर्विसेज लेना हम बंद करेंगे और Sukhoi-30 MKI को हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे फर्स्ट का पूछा था, तो आंसर तो बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन जो सवाल है वो क्यों पूछा गया है, क्योंकि हम यूज किसका शुरू करने जा रहे हैं अब, Sukhoi-30 MKI का, ठीक है जी। पहले से कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, इस्तेमाल इसका भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको ही अब शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो जो नंबर 4 स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स का, उन्होंने सोचा है सबसे पहले तो यही कदम उठा रहे हैं कि ट्रांजिशन करेंगे MiG-21 से हम Sukhoi-30 MKI पे आ जाएंगे, ठीक है। MiG-21 1966 है, वहां पे हमने 63 लिख लिया था, 1966 से ही ऑपरेशन में, इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा। MiG-21 फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर है जो कि 1963 ही है ना, 63 ही है, यहां पे गलत टाइप हो गया, तो 63 ही आएगा, इसको ठीक कर लो यार, ठीक है। सही कर रहे थे हम लोग, वहां पे टाइपिंग की एरर हो गई हमारे पास, ठीक है। तो MiG-21 जो है वो कब से हमारी सर्विसेज में, अब फाइनली 2025 तक इसको हम पूरी तरह से एंड कर देंगे। तो 2025 तक इसकी सर्विसेज हमने लेनी है, उसके बाद हम पूरी तरह से अपनी पूरी एयरफोर्स में Sukhoi-30 MKI को इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्राइस से रिलेटेड है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो होते हैं उसके अंदर दिया जाता है, किस चीज के लिए दिया जाता है। देखो गोल्डन पीकॉक अवार्ड हमेशा बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है, ठीक है जी। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए दिया जाएगा, बेस्ट फिल्म के लिए, राइट। अब इसके बारे में ना थोड़ा सा देखो, 54th फेस्टिवल है पहले तो, क्योंकि मैं इसलिए ये रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, कुछ
कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स मैंने करवाए थे, उसके अंदर मैंने इसके बारे में बात की थी। तो उस समय हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन सा डिस्प्ले में किया जाएगा, ठीक है। तो वही सारी बातें जो हमने पिछले करंट अफेयर्स में की हैं वही दोबारा रिपीट हो रही है। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है जो कि कब होगा, 20 नवम्बर से लेके 28 नवम्बर तक होगा। कहाँ पर होगा? गोवा में होगा, ठीक है जी। 2926 एंट्रीज रिसीव हुई हैं कम से कम 105 कंट्रीज से, मतलब उनकी फिल्म, उनके डायरेक्टर्स के नाम, उनके ये वो सब एंटर हुए हैं, ठीक है। और इसके लिए ना एक इंटरनेशनल जूरी बनती है, जूरी के अंदर काफी सारे लोग होते हैं। जूरी समझते हो, द ग्रुप ऑफ जजेस, उसको हम जूरी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें है चेयरमैन शेखर कपूर, ठीक है, सिनेमेटोग्राफर जॉस लुई अल्केन, और फिल्म प्रोड्यूसर्स जैसे कि जेरोम पिलियर्ड आएंगे, कैथरीन ड्यूसर्ट होंगे और हेलन लेके होंगे, ठीक है। तो ये लोग सब जूरी के मेंबर होंगे, यही डिसाइड करेंगे कि कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म है और कौन सा क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड कहलाता है, जो हमने आंसर टिक कर ही लिया। और भी अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर को देंगे, बेस्ट एक्टर को मेल को देंगे, फीमेल को देंगे, और स्पेशल जूरी प्राइज भी रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब अवार्ड अभी आएंगे हमारे पास, अभी तो सिर्फ डिसाइड हुआ है कि कब कब ये इवेंट होगा, कौन कौन जूरी के मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो मतलब 2020 तारीख से लेके 28 तारीख तक इस न्यूज के ऊपर हमने पूरा फोकस बनाना है, ठीक है, क्योंकि सिनेमा की लाइफ से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में, ठीक है जी। तो इसके ऊपर फोकस बना रहे हैं, और 28 तारीख के बाद फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, कौन बेस्ट एक्टर, कौन बेस्ट डायरेक्टर है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में एक प्रोग्राम को कल्मिनेट किया। कल्मिनेट करना मतलब क्या होता है बेटा? खत्म करना, एंड करना, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम? जिसको हमने ऑलरेडी अपने करंट अफेयर में पहले डिस्कस किया हुआ है, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे लोग हैं ना इंडिया के अंदर, जो लोकल लोग हैं, जो अपने हाथों से काम करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए कैंपेन शुरू किया था कि मेरी माटी मेरा देश है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एंड करने का समय आ गया, ठीक है। अभी एंड भी करना है तो ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ बोल दिया, हाँ जी हमने शुरू किया था, अब हमने खत्म कर दिया, बात खत्म। नहीं, एंडिंग भी किसी ना किसी प्रोग्राम के साथ की जाती है, ठीक है। तो इसकी एंडिंग किसके साथ की गई है? अमृत वाटिका अमृत महोत्सव मेमोरियल के साथ, ठीक है जी। तो एक अमृत वाटिका अमृत महोत्सव मेमोरियल हम लोगों ने तैयार किया, उस मेमोरियल पे जाके। मेमोरियल तो पता ना क्या होता है, इस तरीके से जैसे हम लिख देते हैं ना किसी भी चीज के बारे में कि हम याद रखेंगे। अभी ये अमृत महोत्सव के बारे में तो अपन लोगों ने सुना ही होगा, आजादी का अमृत महोत्सव 75 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, आजादी के 75वें साल को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो उसी इवेंट के लिए हम लोगों ने ये मेरी माटी मेरा देश कैंपेन जो है, अब इसको हम एंड करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम मोदी ने क्या इनॉग्रेट किया, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, अमृत वाटिका को और अमृत महोत्सव मेमोरियल को, ठीक है। तो आंसर बना इसका सी ऑप्शन। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें, जैसे कि मेरी माटी मेरा देश कैंपेन खत्म कब किया गया है? जनाब 31 अक्टूबर 2023 को, जिसकी वीडियो हमने स्पेशली बना रखी है यूनिटी डे के ऊपर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था, उस दिन जो है मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम खत्म किया गया। इस प्रोग्राम की जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो आजादी का अमृत महोत्सव को मार्क करती है, ठीक है, जो कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में थे, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन एक ट्रिब्यूट है किनको? वो वीर और वो वीरांगना जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए। तो उन लोगों के बारे में मेमोरियल्स बनाना, उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बताना जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ काम किए हैं, लेकिन इतिहास की किताबों में उनके नाम कहीं छपे ही नहीं हुए, ठीक है जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमृत वाटिका को इनॉग्रेट किया, अमृत महोत्सव मेमोरियल को इनॉग्रेट किया, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। इस कैंपेन के दौरान 2.3 लाख शिल्पलखम्स, शिल्पलखम क्या होते हैं? मेमोरियल को ही कहते हैं, जो किसे कि याद के अंदर हम लोग बनाते हैं ना, उसको कहते हैं। 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर इनको बनाया गया,
और कम से कम 4 करोड़ 5 प्रण यानी कि 5 कस्में खाई गई, 2 लाख वीरों का वंदन प्रोग्राम जो है पूरे देश के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो इतना सब कुछ प्रोग्राम हमने किया है, फिर जाके हमने इस अपने पूरे आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया, ठीक है जी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें से जरूर याद रखने हैं। एक तो कब एंड हुआ, यूनिटी डे को एंड हुआ, किस इवेंट के साथ एंड हुआ, ये वाला हमने पॉइंट पहले ही टिक कर लिया है, ठीक है। ये वाला अगर आपसे याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये ऐसे सवाल नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ था, ठीक है जी, समझ आया। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक और, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। What is the eligibility criteria for individual to use the home voting facility offered by the Election Commission of India? देखिए, आप सबको पता है कि 2024 के अंदर लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। तो लोकसभा इलेक्शंस में हर साल ना कोई सुविधा दी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे पिछले साल क्या हुआ था, जो लोग चल फिर नहीं पाते, विकलांग, डिफरेंटली एबल्ड, उनके लिए स्पेशल ना वैन भेजी गई थी कि हम आपको लेकर जाएंगे, आपको छोड़कर जाएंगे, आपको व्हील चेयर की सुविधा दी जाएगी, आप वोट डालने आइए। तो 60% वोट्स एक्स्ट्रा हो गई थी पिछले बार जब इलेक्शंस हुए थे 2019 में, ठीक है जी। और अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी एक नया क्राइटेरिया ऐड किया है कि कुछ लोगों को, कुछ सीनियर सिटीजन्स को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारा जो वोटिंग ऑफिसर होता है वो जाएगा, ईवीएम मशीन लेके जाएगा और कुछ 2 गार्ड्स लेके जाएगा, सिक्योरिटी के लिए वीडियो बनाई जाएगी कि सही वोट कास्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो सारा कुछ घर पे लेके जाएंगे, वोट डलवाएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। तो ये किन के लिए होगा, जो लोग 80 साल से ऊपर है, ठीक है, द सीनियर सिटीजन एज्ड अबव, ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है जी। तो एज्ड अबव सीनियर सिटीजन, ठीक है जी। और डिसेबिलिटी वाला क्राइटेरिया अभी नहीं है, तो पिछली साल ही ले लिया था, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 80% सिटीजन्स के लिए और 40% डिसेबिलिटी वाला भी लिया है, तो हमारा आंसर यही बनेगा, डी ऑप्शन ही बनेगा आंसर, ठीक है जी। पोलिंग टीम जाएगी, पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, वीडियोग्राफर्स होंगे, सिक्योरिटी पर्सन होंगे, जिसने वोट डालनी है उसके घर जाएंगे, वहां पे जो है बैलेट पे उसकी वोट डलवाएंगे, ठीक है। और इसमें यह भी होगा कि अगर कोई बंदा वहां पे जाके वोट करना चाहता है तो उसको लेकर भी जाएंगे आराम से, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी है सीनियर सिटीजन के लिए। तो 2019 के इलेक्शन में जब ऐसा कुछ प्रोसेस किया था डिसेबल्स के लिए और सीनियर्स के लिए, तो वोटिंग जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिससे हमने डिस्कस किया 60.14% जो लोग हैं उन्होंने वोट देने के लिए हामी भर दी थी, ठीक है जी। तो अभी भी अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, इतना सब कुछ ध्यान में नहीं रखना, बस ये चीज ध्यान में रखनी है, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही के अंदर लोगों के लिए क्या सुविधाएं उत्पन्न की है, जो लोग घर में बैठे बैठे भी वोट दे सके, ठीक है। तो जो हमारे एक तो सीनियर सिटीजन है 80 साल से ऊपर वाले और जिनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उन लोगों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम, ठीक है जी। तो ये काम इन्होंने किया है, ठीक है जी, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, सेम टाइम सेम जगह, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आज क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा था हमारे पास, अच्छा था इसलिए, ठीक है जी। तो हर रोज वैसे हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा भी करा देते हैं, ठीक है। तो कल मिलेंगे फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी डे, एंजॉय करिए अपना डे।